हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा गईस फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड दिस इज़ आर लेक्चर सेवन गईस करंट एग्रीकल्चर डाटा का जो एग्रीकल्चर डेटा ग्लांस रिपोर्ट से हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट डाटा है बिल्कुल जो इसी साल रिपोर्ट आई है उसी में से डाटा डिस्कस कर रहे हैं एंड ऑलरेडी आपके पास छः लेक्चर आ चुके हैं दिस इज द सेवेंथ लेक्चर और इसके बाद आपका एक एर्थ लेक्चर और आएगा उसके अंदर हम बेसिकली करंट एग्रीकल्चर डाटा इन कम्पेरिजन टू वर्ल्ड देखेंगे एंड दैट विल बी और फाइनल वीडियो तो लेक्चर सेवन और लेक्चर एट उसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर वाला जो डाटा है ये कवर अप हो जाएगा और इसके अंदर से आप इजीली लेकर के चलो कि 200 से ऊपर क्वेश्चन आपके बनते हैं इस रिपोर्ट में से प्रोबेबल जो क्वेश्चन हैं आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे इसी के अंदर से कम से कम आप ये लगा करके चलो 20 25 30 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे हम देख लेंगे कि कितने क्वेश्चन रफली इसके अंदर से बनते हैं एम कोर्स के बारे में आप जानते हो नॉन वीडियो कोर्स है काफ़ी लो प्राइस का कोर्स है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और अभी इसके ऊपर थर्टी ऑफ भी चल रहा है बाई यूजिंग द कोड अर्ली थर्टी तो इस कोर्स uh, को भी आप जरूर एक्सप्लोर करें ना लेटर्स क्विकली स्टार्ट सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एरिया है जो हमें डिस्कस करना है इसके अंदर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी इन एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कितना टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहा है अगर हम सारे सेक्टर्स को देखें उसके अंदर आपका हाउस होल्ड भी आ जाता है उसके अंदर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर भी आ जाता है तो इन सब सेक्टर्स के अंदर अगर हम कहें कि यार हंड्रेड किलो वॉट एनर्जी यूज़ हो रही है तो उसमें से एग्रीकल्चर का शेयर कितना है तो एग्रीकल्चर का दोस्तों शेयर जो है अराउंड ट्वेंटी पॉइंट ज़ीरो एट परसेंट है यानी कि अगर सारे सेक्टर्स मिलाकर के हंड्रेड किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो 20.08 परसेंट एग्रीकल्चर यूज कर रहा है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन एग्रीकल्चर के अंदर होती है इंडिया में नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सी स्टेट ऐसी स्टेट है जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में एज कंपेयर टू उस स्टेट का टोटल कंजम्पन उस स्टेट के टोटल कंजम्पशन के मुकाबले में परसेंटेज देख रहा हूं मैं यहां पर यह नहीं बोल रहा कि कौन सी स्टेट एग्रीकल्चर में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिजली यूज करती है मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब में जितनी बिजली की खपत है उस पंजाब की बिजली की खपत में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एग्रीकल्चर के अंदर खपत होती है समझ रहे हो तो दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस है हम यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में देख रहे हैं तो स्टेट की टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में एग्रीकल्चर का शेयर सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर है तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट हमने देखना बेटा लोन डिसबर्समेंट के और ट्रैक्टर से रिलेटेड जो अपने पॉइंट हैं इंडिया के अंदर किस स्टेट में सबसे ज्यादा लोन डिसबर्समेंट यानी कि सबसे ज्यादा लोन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर किस स्टेट के अंदर इंडिया में दिए गए हैं तो तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा बेटा लोन्स uh, जो है वो डिसबर्स किए गए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सबसे ज्यादा एक्टिव किसान क्रेडिट कार्ड कौन सी स्टेट के अंदर है तो बेटा यूपी के अंदर है एंड देन वी हैव स्टेट वेयर मैक्सिमम ट्रैक्टर आर सोल्ड कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स बेचे जाते हैं वो भी आपका यूपी है तो बेटा दो क्वेश्चन पिछली स्लाइड में थे तीन क्वेश्चन इस स्लाइड में आ गए प्रॉबेबल पांच क्वेश्चन तो ये हो गए आपके नेक्स्ट जी नेक्स्ट अब हम बात करेंगे परसेंटेज शेयर टू ग्रॉस क्रॉप एरिया ग्रॉस क्रॉप एरिया की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको पहले दूसरे लेक्चर के अंदर समझा चुका हूं कि एक पीस ऑफ लैंड है एक पीस ऑफ लैंड को अगर आप साल में कल्टीवेट कर रहे हो आप एक बार कल्टी फॉर एग्जाम्पल ये एक हेक्टेयर लैंड है एक बार आपने इसके ऊपर राइस ग्रो किया एक बार इसके ऊपर आपने फिर व्हीट ग्रो किया और उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई वेजिटेबल ग्रो कर लिया यानी कि आपने एक साल में तीन बार इसके ऊपर कल्टीवेशन की तो ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना हो जाएगा हेक्टेयर सिमिलरली नेट क्रॉप एरिया भी हमने समझा था काउंट नहीं करोगे नेट क्रॉप साल में एक बार भी कल्टीवेशन हुई है तो वो नेट एरिया में आ जाएगा दैट इज इक्वल टू हेक्टेयर ठीक है तो अब हम देख रहे हैं कि हर जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है उसका टोटल जो ग्रॉस क्रॉप एरिया है उस टोटल ग्रॉस क्रॉप एरिया के मुकाबले कितना परसेंटेज उस पर्टिकुलर क्रॉप का है ठीक है अब अगर मैं कहूं कि 100 गुँ, हेक्टेयर ग्रॉस क्रॉप है तो राइस का जो है 23.02 परसेंट है यानी कि अगर 100 हेक्टेयर टोटल ग्रॉस क्रॉप एरिया है तो 23.02 हेक्टेयर जो है वो राइस के पास है ओके okay, ज्वार का बेटा 2.13 परसेंट है ये हर का एक सीधा सीधा वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस तरीके से वॉट इज द परसेंटेज ऑफ राइस टू टोटल ग्रॉस क्रॉप इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है नीचे चार क्रॉप के नीचे चार परसेंटेजेस दे देगा ठीक है राइस के पूछ सकता है ज्वार के पूछ सकता है बाजरा के पूछ सकता है ये सारे प्रॉबेबल क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टू थाउजेंड प्लस एमसीक्यू के अंदर भी कवर्ड है ठीक है जी दूसरे तरीका है, वो क्वेश्चन का ये पूछ सकता है कि विच क्रॉप विच क्रॉप हैज हाइएस्ट परसेंटेज शेयर टू ग्रॉस क्रॉप एरिया कि किस क्रॉप uh, का ग्रॉस क्रॉप एरिया के मुकाबले हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कवरेज है तो उसमें अभी आप uh, जब देख लोगे तो आपको पता चलेगा वो भी राइस ही है राइस का सबसे ज्यादा है 23.02 परसेंट तो इस तरीके से डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस जो है वो बेटा फ्रेम हो सकते हैं आगे जाओ जी लेट मेज का इलेवन पॉइंट थ्री वन टोटल सीरियल फिफ्टी पॉइंट थ्री फोर परसेंट ग्राम का फोर पॉइंट फाइव एट परसेंट तुर का टू पॉइंट टू वन पल्स का सेवन पॉइंट टू वन टोटल पल्सेस का फोर्टीन एंड टोटल फूड ग्रेन्स का उसके अंदर सीरियल और पल्सेस दोनों आ गए 64.34 तो बेटा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह क्वेश्चन इंडिविजुअली यहां पर भी बन सकते हैं और एक जो दूसरा मैंने आपको बताया कि किसका सबसे ज्यादा है राइस का वीट का बार्ले का ग्राम का इस तरीके से ऑप्शन दे देगा तो वो भी एक क्वेश्चन बन जाता है शुगर केन का है दोस्तों 2.81 पॉइंट परसेंट कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस का, स्पाइस का 2.01 परसेंट टोटल फ्रूट्स का 2.44 परसेंट पोटेटोस का 0.93 परसेंट एंड अनियन का 0.53 परसेंट टोटल वेजिटेबल्स का 3.29 परसेंट, टू का परसेंट दोस्तों 2.39 परसेंट, दोस्तों का 0.84 परसेंट वेबसीड एंड मस्टर्ड का 3.14 परसेंट लिंस का 0.07 परसेंट अदर ऑयल सीड्स का 7.48 परसेंट टोटल ऑयल सीड्स का थर्टीन परसेंट आपका रहेगा ठीक है उसके बाद जी कॉटन का 4.71, जूट का 0.34, मेस्टा का 0.03, टोटल फाइबर्स का 5.09, पॉइंट टोबैको का 0.21 एंड बाकी की जो बची हुई क्रॉप्स हैं वो आ गया 5.90 ठीक है बेटा 15 और यहां पर 18 तो 15 और 18 ये आपके 33 क्वेश्चंस हो गए और उससे पहले पांच थे 38 प्रोबेबल क्वेश्चंस बन जाते हैं ठीक है तभी देखो ये मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि हमारे लेक्चर्स भले ही छोटे छोटे हैं दस मिनट बारह मिनट पंद्रह मिनट के मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूं लेकिन वो सारे के सारे लेक्चर्स कंटेंट ड्रिवन है वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको वो पंद्रह मिनट का लेक्चर आप मानोगे नहीं वो पंद्रह मिनट का लेक्चर बनाने के लिए कम से कम दो से तीन घंटे का काम है ठीक है क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर जिस तरीके से प्रेजेंटेड है ना गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके से गिवन नहीं होता ठीक है चलिए माइक्रो इरिगेशन के ऊपर आ जाएं इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज्यादा एरिया ड्रिप इरिगेशन के अंडर है बेटा तो वो है आपकी स्टेट आंध्र प्रदेश डायरेक्ट क्वेश्चन ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है डायरेक्ट क्वेश्चन बिना किसी हेर फेर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी स्टेट में ड्रिप इरिगेशन में सबसे ज्यादा एरिया कवर्ड है उसके बाद जहां पर मिनिमम एरिया है ड्रिप इरिगेशन के अंडर वो है मेघालय बेटा स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर मैक्सिमम एरिया राजस्थान में है और मिनिमम एरिया स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में है मैक्सिमम एरिया टोटल माइक्रो इरिगेशन का ड्रिप प्लस स्प्रिंकलर को मिलाकर के अगर आप लोगे तो कर्नाटका है ड्रिप का आंध्र प्रदेश में है स्प्रिंकलर का राजस्थान में है लेकिन ड्रिप प्लस स्प्रिंकलर का ओवरऑल देखते हो तो कर्नाटका में है और जहां पर मिनिमम है टोटल माइक्रो इरिगेशन ड्रिप प्लस स्प्रिंकलर वो मेघालय ठीक है बेटा तो छे क्वेश्चन आपके ये बन गए थर्टी पीछे थे छह ये हो गए फोर्टी फोर क्वेश्चन हो गए बेटा लैंड सीलिंग के ऊपर आ जाओ नेशनल गाइडलाइंस आई थी नाइनटीन में लैंड सीलिंग के ऊपर तो नेशनल गाइडलाइंस क्या कहती है हालांकि जो लैंड सीलिंग की जो लैंड सीलिंग की लिमिट है वो स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है पर नेशनल गाइडलाइंस में बताया गया था कि अराउंड इतनी होनी चाहिए बाकी हर स्टेट की अलग अलग, अलग लैंड सीलिंग है तो नेशनल गाइडलाइंस बोलती है कि अगर लैंड जो है वो इरीगेटेड है दो क्रॉप्स हैं और तो दस से अट्ठारह एकड़ जो है वो लैंड सीलिंग होनी चाहिए अगर लैंड इरिगेटेड है विद वन क्रॉप तो 27 एकड़ और ड्राई लैंड के लिए 54 एकड़ जो है वो लैंड सीलिंग होनी चाहिए यानी कि इससे ज़्यादा Ownership नहीं होनी चाहिए के के ऊपर, ऊपर ठीक है? है, तो ये है, लेकिन हर स्टेट की अलग-अलग हैं। अब आ जाते next point के उपर, agricultural households and कि जो एग्रीकल्चर के परिवार है रूरल स्पेसिफिकली कितना इंडेटेड है कितना कर्जा उनके ऊपर है तो कौन सी स्टेट ऐसी है जहां पर ज्यादातर जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड है रूरल हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा है रूरल हाउस होल्ड्स के मुकाबले परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड सबसे ज़्यादा है वो है नागालैंड यानी कि अगर रूरल एरिया में सौ घर हैं तो सौ घर में से नागालैंड के अंदर 79.9 जो घर हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है इसीलिए तो हम एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड बोल रहे हैं उसके बाद सबसे कम एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड एज कंपेयर टू टोटल रूरल हाउस होल्ड के स्टेट में केरला में केरला में सिर्फ थर्टी है यानी कि अगर 100 घर हैं, 100 हाउस होल्ड रूरल एरिया में केरला में तो उसमें से सिर्फ 33.2 परसेंट एग्रीकल्चरल है कौन सी स्टेट के अंदर सब आ, से ज्यादा परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस जो है वो इंडेटेड है यानी कि उनके ऊपर कर्जा है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में अगर सौ एग्रीकल्चर के परिवार हैं तो नाइनटी परिवारों के ऊपर किसी ना किसी तरह का कर्जा है मिनिमम स नागालैंड के अंदर है सबसे ज्यादा देखो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड नागालैंड के अंदर है एज परसेंटेज टू रूरल हाउस होल्ड बट सबसे ज्यादा कर्जदारी भी नागालैंड के अंदर है ऑल इंडिया अगर आप देखो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इन तो 50.2 परसेंट है ये आपको याद रखना है पिटार नंबर और ये सारे के सारे पॉइंट में आपको बता दू नबार्ड वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली आईबीपीएस वालों का तो रिटर्न तो होना नहीं है ठीक है तो नबार्ड वाले बच्चों के लिए तो ये जब वो मेंस के आंसर लिखेंगे ना तब भी ये सारा डाटा काम आएगा एमसीक्यूज में तो काम आएगा ही आएगा फेज वन में एमसीक्यूज में तो काम आएगा ही आएगा फेज टू में बट साथ ही साथ ही आपकी मेंस आंसर राइटिंग के अंदर भी काम आएगा तो ऑल इंडिया लेवल पर अगर मैं कहूँ कि पूरे देश के अंदर सौ एग्रीकल्चर के परिवार हैं तो पचास पॉइंट दो परिवारों के ऊपर किसी ना किसी तरह का कर्जा जो है वो है ओके चलो जी उसके बाद एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड और इनकम की बात कर लेते हैं मैक्सिमम एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड किस स्टेट के अंदर है मेघालय के अंदर मेघालय के अंदर ऑन एन एवरेज एक एग्रीकल्चरल परिवार की जो मंथली uh, इनकम है वो है ट्वेंटी नाइन थाउजेंड थ्री फोर्टी एट रुपीज एग्जैक्टली वैल्यू नहीं भी याद रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है स्टेट याद रख लीजिएगा मिनिमम एवरेज मंथली इनकम एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड में वो झारखंड के अंदर है झारखंड में ऑन एन एवरेज एक एग्रीकल्चरल परिवार की महीने की जो uh, आय है वो सिर्फ और सिर्फ एट नाइन फाइव रुपीज है मंथली इनकम ऑल इंडिया लेवल पर अगर हम देखें तो ऑल इंडिया लेवल पर जो एवरेज मंथली इनकम है एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की वो टेन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटीन रुपीज है ये टेन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटीन रुपीज बेटा याद कर लेना ये मेघालय और झारखंड वाले चाहे ना याद करना इसको चाहे छोड़ देना लेकिन जो इंडिया का एवरेज है ऑल इंडिया का एवरेज है दस हजार दो सौ अट्ठारह रुपए इसको आपने जरूर याद करना है ठीक है चलिए दोस्तों तो इस लेक्चर के लिए इतना ही था अब एक और लेक्चर हमारा बाकी है लेक्चर एट उसके अंदर हम कुछ वर्ल्ड एग्रीकल्चर डाटा वगैरह देखेंगे और इंडिया का कंपैरिजन देखेंगे ओके पीडीएफ इस लेक्चर का आपको मिल जाएगा अभी तक के सारे पी आपको मिल चुके हैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे बाकी कोई भी जानकारी चाहते हैं एमसीक्यू कोर्स से रिलेटेड कुछ भी कमेंट कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो नंबर गिवन है मेल कर सकते हो जो भी आपको ठीक रहे एंड लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय